जय जोहार, नमस्कार। हेलो दोस्तों, चलिए देखिएगा, आज है आपका 25 सितंबर है और हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब से किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, 6 अक्टूबर 2022 से। याद रखिएगा, देखिए इसके संबंध में विशेष कि देखिए छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ 6 अक्टूबर 2022 से किया जाएगा एवं समापन 6 जनवरी 2023 को होगा। इस ओलंपिक में बच्चों से लेकर 100 साल के बुजुर्ग भी बतौर प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2022 में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, याद रखना है। और देखिए इसमें दलीय क्षेत्री मतलब दल वाले ग्रुप वाले में दोस्तों गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संकली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और बाटी, बचपन में खेले हैं ना कंचा, है ना, इन दोस्तों खेलों को शामिल किया गया है। और वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, देखिए फुगड़ी, है ना, गेड़ी दौड़, भौंरा और 100 मीटर, ये ठीक है, दौड़ और लंबी कूद शामिल है। ओके चलिए देखिए, और भी है, इन खेलों के मुकाबले पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में होंगे और इस ओलंपिक का आयोजन 4 स्तरों, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर व दोस्तों राज्य स्तर पर होगा। राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन राजधानी रायपुर में होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत सरकार की संस्था IIMR ने पोषण अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, अपना छत्तीसगढ़, देखिए याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की संस्था IIMR ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को पोषण अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। और तेलंगाना के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया है। और छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार राज्य लघु वनोपज संघ के विशेष प्रबंध संचालक SS बजाज ने प्राप्त किया, याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जहाँ कोदो कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। कोदो कुटकी की 3,000 रुपये प्रति क्विंटल और रागी की 3,377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। किसानों को प्रति एकड़ पर 9,000 रुपये की मदद दे रही है छत्तीसगढ़ सरकार। वैल्यू एडिशन भी पर भी ये काम हो रहा है। खेती का रकबा याद रखिए दोस्तों 69,188 लाख हेक्टेयर हो गया है। ओके चलिए अगला देखिए, और भी है, देखिए ये भी है, इसको भी आपको रखना है याद। राज्य में मिलेट मिशन की जो शुरुआत है 10 जनवरी 2022 से हुई थी। राज्य सरकार ने दोस्तों कोदो कुटकी और रागी की खेती को राजीव गांधी न्याय योजना में शामिल किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ शतरंज एसोसिएशन की मेज़बानी में चल रहे इंटरनेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, RU अरुण, याद रखना है। देखिएगा दोस्तों कि तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी RU अरुण ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। छत्तीसगढ़ शतरंज एसोसिएशन की मेज़बानी में चल रहे टूर्नामेंट में चैलेंजर्स कैटेगरी के फाइनल राउंड हुए जिसमें अरुण ने ये जीत हासिल की है और उसने कुल 9 राउंड में से 8 में जीत हासिल कर यह खिताब अपने नाम किया है। देखिएगा वही महाराष्ट्र के श्रेयन मजूमदार दूसरे और बंगाल के विशाल, है ना, बाशक तीसरे स्थान पर रहे हैं। विजेता खिलाड़ी को 1 लाख रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बेस्ट प्लेयर ऑफ छत्तीसगढ़ का खिताब लव्य ज्योति राउत्रे ने जीता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, महिला सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की रक्षा,
उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन से अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, हमर बेटी हमर मान, याद रखना है। देखिए इसके संबंध में डिटेल देखते हैं। देखिए राज्य सरकार जो है महिला सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की रक्षा, उनकी सुविधा और उन्हें आवश्यकता आवश्यक जो सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अभिनव अभियान हमर बेटी हमर मान प्रारंभ की है, याद रखना है। इस अभियान के लिए हमर बेटी हमर मान हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी, एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा जिससे महिलाएं बच्चियां अपने साथ होने वाली समस्याओं की जो है शिकायत कर सकेंगी। देखिए कि हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत राज्य के गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में राज्य पुलिस की महिला अधिकारी और कर्मचारी जाएंगी। महिला पुलिस के अफसर बच्चियों से स्कूल कॉलेजों में मुलाकात करेंगी, उन्हें कानूनी अधिकार गुड टच बैड टच है ना, छेड़छानी और ये है छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम के बचाव और उनके अधिकारों है ना, इनके बारे में जानकारियाँ देंगी, ठीक है। और देखिए दोस्तों कि इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग रेंज आईजी की जिम्मेदारी में होगी। हमर बेटी हमर मान अभियान के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों में इसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी देने के लिए वर्कशॉप भी किए जाएंगे, ठीक है। हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत अब गर्ल्स स्कूल कॉलेज महिलाओं की उपस्थिति वाली सार्वजनिक जगहों पर महिला टीम की स्पेशल पेट्रोलिंग लगाई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसे बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड प्राप्त हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, SECL, याद रखिए। देखिएगा साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड SECL को CSR में उत्तम कार्य निष्पादन के लिए बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड प्राप्त हुआ है, याद रखना है। और यह पुरस्कार प्रतिष्ठित इकोनॉमी टाइम्स ET एसेंट समूह द्वारा प्रदान किया गया है। बेंगलोर में आयोजित अवार्ड्स समारोह में SECL को अवार्ड्स की ट्रॉफी व सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए इसके संबंध में और भी है, SECL ने गत वर्ष CSR मद से देखिए 79.82 करोड़ रुपये व्यय किए हैं और ये है पिछले 8 वर्षों में SECL ने छत्तीसगढ़ राज्य में CSR मद में 500 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया है। और देखिए दोस्तों कि वहीं देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक कंपनी NMDC को CSR और सस्टेनेबिलिटी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, दिलीप टिर्की, याद रखिए। देखिएगा कि पूर्व भारतीय कप्तान और पद्मश्री से सम्मानित दिलीप टिर्की को हॉकी इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वह हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी हैं। देखिए ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किसने वर्ष 2021 के लिए SEEM गोल्ड अवार्ड जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड, याद रखिएगा नाम को। हाल ही में चर्चित माँ गंगा मैया मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, बालोद। देखिए छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हो गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लता खापरड़े, याद रखें। देखिए हाल ही में PM मोदी ने किस उद्योगपति को PM केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, रतन टाटा। देखिए भारत में वर्ष 2023 में पहली बार किस प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, MotoGP GP, याद रखिए। देखिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आलिया भट्ट।
देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। देखिए कोंडा गांव में एथेनॉल संयंत्र के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।